सो अभी मैंने पूछ लिया है टिकट काउंटर में पहले ही कि वीडियो बना सकते हैं कि नहीं, बोला हाँ ऑलमोस्ट आप वीडियो बना सकते हैं, पूरा पार्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्लाइट के अंदर आप वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि वो ओरिजिनल है। तो कैमरा खरीद के मेरे को ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका सेटिंग मैं समझ नहीं पाया। एक्चुअली DSLR हो तो DSLR का बहुत सारा सेटिंग होता है। एक्चुअली इसका यहाँ पे भी मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका ब्लर वगैरह, फिर इसका जूम आउट जूम इन, ये सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये मतलब व्लॉग करने के टाइम बहुत मायने रखता है। सो ये सीखने में मेरे को टाइम चला गया। सो अभी जाके मैं फाइनली मतलब थोड़ा बहुत सीखा हूँ, ऐसा नहीं कि प्रो लेवल में सीख गया, थोड़ा बहुत सीखा हूँ। सो अभी इसको लेके मैं व्लॉग कर सकता हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ, मैं और पीयू एक्चुअली एक्रोपोलिस मॉल, वहाँ पे मेरे को कुछ खरीदना है मतलब एक्चुअली मैं अंडमान से आने के टाइम यहाँ पे बैसिल सीड मेरे को लाना था, वो मैं लेके नहीं आया। सो अभी मेरे को वो लाना है, और अभी लाना है मतलब वो चाहिए ही मेरे को, हर सुबह मेरे को वो कंज्यूम करना है। अभी मैं नहीं मिल रहा है मेरे को मतलब कैसा प्रॉब्लम मेरे को हो रहा है, कैसा प्रॉब्लम से मेरे को जाना हो रहा है मेरे को पता है। सो इसलिए मेरे को अभी जाना है, जाके वो लेना ही है, कैसे भी कर आज तो जुगाड़ करना ही है। मतलब वहाँ पे नहीं मिलेगा तो दूसरा किसी जगह में तो मिलेगा, मैं सोच के रखा है या तो बिग बाज़ार या तो स्पेंसर, किसी भी एक जगह में तो मिलेगा, दो जगह में से किसी एक जगह में मिलेगा। सो मैं निकल रहा हूँ, वहाँ जाके मैं खरीद लेता हूँ पहले। और वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉम्ब बाइसेप्स। सो फाइनली पार्किंग मिल गया, इतना मशक्कत करने के बाद, दिमाग लगाने के बाद पार्किंग मिल गया। एक्चुअली मैं भूल गया था रास्ता। अब तो कितना दिन बाद आए, 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद एक्रोपोलिस मॉल यहाँ पे रह के भी हम लोग नहीं आए थे, और 1 साल तो हम लोगों का बीत ही गया था वैसे भी ये के लिए, क्योंकि आप लोग अंडमान में थे इसलिए तो बीत ही गया था 1 साल। कि इतना दिन के बाद यहाँ पे आके ना ढूंढना पड़ता है यहाँ पे क्या है नहीं है, तो मेरे को पहले पता था, ऐसा नहीं कि आया था तो 2-3 बार आया करके पता नहीं, मेरे को पता था, लेकिन अभी आके ज़्यादा मेरे को ढूंढना पड़ रहा है। बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ, थोड़ा सा नर्वसनेस के लिए थोड़ा सा हो रहा है, ढूंढना पड़ रहा है अभी फिलहाल अंदर जाते हैं। चीज़ के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे खरीदने के लिए, वो हम लोगों को तो मिला, लेकिन मिला मतलब ऐसा मिला कि बहुत ही महंगा है, जो अंडमान में हम लोगों को 20 रुपये में मिल जाएगा वो यहाँ पे 225 रुपये में खरीदना पड़ेगा। मतलब कुछ कुछ चीज़ में तो अंडमान सस्ता है, महंगा है अंडमान में मान रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ में वो भी सस्ता है, कोलकाता महंगा है। अरे काम तो ऐसा ही होगा, काम तो वैसा ही होने वाला है, बिस्किट अभी खुला में खाओ कि पैकेट में खाओ, काम तो वैसा ही होगा ना, पेट का भूख भी तो मिलाएगा। हाँ पैकेट में नहीं खा सकते, बिस्किट बोला नॉट विस्की बोला, सोचो मैं दारू छोड़ दिया, मेरा बीवी अभी तक दारू छोड़ नहीं पाया, देखो हालत देखो इसका। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट म्यूजियम बना है न्यू टाउन में। एक्चुअली न्यू टाउन मतलब न्यू टाउन में वॉकिंग स्ट्रीट करके कुछ है, वहाँ पे दिखाई दिया आज एक बेसिकली इंस्टाग्राम रील में मेरे को आया, तो वहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं मैं और क्यू। और एक्रोपोलिस मॉल का एक्सपीरियंस जो था एकदम खराब एक्सपीरियंस था। एक्चुअली हम दोनों ने आइसक्रीम खाने का मन किया क्योंकि आज तो फास्टिंग है हम लोगों का, सैटरडे एंड मंडे हम लोगों का फास्टिंग रहता है, तो हम लोग आइसक्रीम खाने का मन किया मेरे को और क्यू को, तो हम दोनों ने आइसक्रीम ऑर्डर किया। अभी वहाँ का जो हॉस्पिटलिटी सर्विस है वो बहुत ही ख़राब था, मैं घर जाके उसको डिस्क्राइब करूँगा कि कैसा कैसा उनका वो जगह का एक्सपीरियंस था और क्या क्या हुआ। अभी फिलहाल मूड नहीं खराब करना है, अभी फिलहाल पहले पहली बात है फ़ोन नहीं अलाउ करना। पहली बात वहाँ पे एक चीज़ मेरे को ख़राब लगा कि हम लोग वीडियो नहीं बना सकते, ब्लॉग नहीं कर सकते, भाई क्या है भाई इतना पैसा दे के अगर हम लोग वहाँ पे कुछ खा रहे हैं तो एटलीस्ट हम लोग खाने का ही तो रिव्यू करेंगे ना, और तो कुछ नहीं। मॉल का इसमें भी प्रॉब्लम है, मतलब अगर देखो कोई जगह अगर वीडियो बनाने नहीं दे रहा है मतलब उन लोगों का तो खुद का तो प्रॉब्लम है ही, मतलब कुछ ना कुछ उन लोगों का डिफेक्ट है, इसीलिए ही वो लोग बोल रहा है कि वीडियो नहीं बना सकते। तो ठीक है फिलहाल छोड़ो, अभी हम लोग जाते हैं एयरक्राफ्ट म्यूजियम, शाम को जब रिटर्न में घर आऊँगा। खराब मत
करो, छोड़ो, सभी को हॉस्पिटैलिटी सर्विस नहीं आता है। हम लोग काम करते हैं, हम लोग को पता है हॉस्पिटैलिटी सर्विस कैसा होता है। सभी को नहीं आता हॉस्पिटैलिटी सर्विस। अभी मूड खराब मत करो, चलते वहाँ पे नया नया म्यूजियम खुला है, वो देखते हैं जाके कि कैसा है क्या है। हम लोग पहुँच चुके हैं एयरक्राफ्ट म्यूजियम में। अभी एक बात मेरे को डाउट हो रहा है, मेरे को व्यू को भी सेम हम लोग का मॉल की तरह हम लोग को बोलना दे कि यहाँ पर भी वीडियो नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर भी बोल गया तो हो गया भाई, कैमरा खरीदना ही बेकार है मेरा। मतलब कहीं पर वीडियो नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आगे देखते हैं यहाँ का भी फोन आ रहा है ये वाला। हाँ, मैं पूछ लूँगा पहले, नहीं पूछ लूँगा पहले, टेंशन नहीं है। तो अभी मैंने पूछ लिया है टिकट काउंटर में पहले ही कि वीडियो बना सकते हैं कि नहीं। बोला हाँ ऑलमोस्ट आप वीडियो बना सकते हैं, पूरा पार्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्लाइट के अंदर आप वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है करके इसके अंदर आप वीडियो बना नहीं सकते। बाहर आपको जितना वीडियो बनाना है वीडियो बना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसको इतना जूम करके रखा था, पूरा फेस कैप्चर चल रहा था। ये ओरिजिनल प्लेन है, तभी पूछा इसके देखो। ये एक चीज़ अच्छा बनाया आज सुबह मेरे को इंस्टाग्राम रील से, एक्चुअली इसका मेरे को ये मिला, वीडियो मिला और अच्छा लगा मेरे को। हम बनाया गया है ये एक्चुअली नेवी की तरफ से बनाया गया है, नेवल म्यूजियम करके लिखा हुआ है, नेवल एयरक्राफ्ट म्यूजियम, मतलब नेवी की तरफ से। फिर मेरे को तो पता है हम लोगों का अंडमान में नेवल म्यूजियम है, नेवी की तरफ से बनाया हुआ, तो यहाँ पे भी बनाया नेवी की तरफ से ये एयरक्राफ्ट म्यूजियम। बहुत ही अच्छा तगड़ा लग रहा है, लेकिन अंदर तो वीडियो नहीं बना सकते। अभी क्या कर सकते, कुछ कुछ चीज़ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी देख रहा हूँ अगर रिक्वेस्ट करके बन सकता है तो ऑब्वियसली मैं बना के दिखाऊँ। ब्लॉग बना रहा था तभी मैं सोच रहा था कि ओरिजिनल है कि नहीं, फिर भी आप लोगों को बता दिया क्योंकि मेरे को जितना एक्सपीरियंस है देख के लगा कि ये ओरिजिनल है। फिर अंदर जाके पता चला कि ये सच्ची में ओरिजिनल फ्लाइट ही है, वर्ल्ड वॉर के टाइम यूज़ किया हुआ फ्लाइट, इसलिए अंदर जाके 1978 का फ्लाइट है। 1978 को इसको बाहर से लाके यहाँ पे असेंबल करके इसको बिठाया। सो मैं सजेस्ट करूँगा एक बार आओ आके देखो। और स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, जो स्टूडेंट लोग अपना आईडी कार्ड लेके आ सकते हो, आईडी कार्ड लेके आने से यहाँ पे फ्री, और नॉर्मली भी ज़्यादा चार्जेस नहीं है, 30 रुपीज़ का टिकट है। तो 30 रुपीज़ तो ऐसे ही हम लोग खर्च कर देते हैं। एक यूज़फुल चीज़ हम लोग का, इंडिया का एक मतलब अनमोल रतन बोल सकते हो ये, तो आके एक बार देख लो, अच्छा रहेगा और अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा। और पार्क भी बहुत ही अच्छा है, बैठने का जगह है, सब कुछ है, तो आराम से बैठ सकते हो और फ्लाइट का मज़ा भी ले सकते हो। मैं पीयू को क्या बोला कि चक्का खाली है, अभी जल्दी से जल्दी चलो, नहीं तो कोई आ जाएगा चक्का पकड़ लेगा, फिर वहाँ पे वीडियो और फोटोज नहीं निकलने वाला। पहले मैं ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे सच्ची मैं बोलने से पूरा ओरिजिनल है, पूरा एकदम पूरा ओरिजिनल, जैसा टायर होता है फ्लाइट का सेम, क्योंकि ये ओरिजिनल फ्लाइट ही है। सही बात बोलने से यहाँ पे आके थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ, क्योंकि इसके पहले जो हुआ था एक्रोपोलिस मॉल में, एक्चुअली क्या हुआ था, हम दोनों ने आइसक्रीम ऑर्डर किया। मैं पीयू के सामने तो बोल नहीं पाऊँगा कि वहाँ पे
हम लोगों को बोला नहीं कि बोला कि सर और एक स्कूप मैं दूंगा, मैं सोचा वो फ्री में दे रहा है, लेकिन नहीं, वो और एक स्कूप का 150 रुपये अलग से ऐड कर दिया करके 300-300, 600 रुपये बना दिया, जबकि 300 रुपये होना था। उल्टा जब मैं उनको कुछ पेमेंट के इशू हुआ, जब पेमेंट का इशू हुआ, मतलब कैसा कि वहाँ पे एक कार्ड लेना हो, फूड कोर्ट से एक कार्ड लेना होगा, कार्ड लेके कार्ड से पेमेंट करना होगा, मतलब उन लोगों का अलग से कार्ड लेके वहाँ से पेमेंट करना होगा। सो क्या हुआ था, मैं वो कार्ड के बारे में मेरे को पता नहीं, क्योंकि एक साल में कोलकाता से बाहर हूँ पहले। सेकेंडली क्या हुआ कि मेरे को तो वो तो पता नहीं था, तो मैं बोला कि आप कैश ले लो। नहीं, कैश नहीं, आप वो कार्ड ही लेके आओ तो ही मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जीपे वगैरह ये सब कुछ ले लो। बोला नहीं नहीं, आप कार्ड लेके आओ, पहले मेरे को यही बोला कि कार्ड लेके आओ। तो बोला ठीक है चलो, मैं कार्ड लेके आता हूँ। वहाँ से कार्ड दिया, यहाँ पे पेमेंट किया। लेकिन वो टाइम में एक्चुअली क्या हुआ था, किसी को भी कोई भी गेस्ट को, मतलब उन लोगों को हॉस्पिटैलिटी एकदम ज़ीरो था, क्योंकि किसी भी गेस्ट अगर आके ख़रीदता है, हम लोग तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है तो हम लोगों को पता चलता है कि कोई भी गेस्ट कैसा भी हो सकता है। सो उसमें क्या होता है, उनके साथ वैसा बिहेवियर करना चाहिए कि ठीक है चलो, आप जानते नहीं हो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको बोल देंगे। लेकिन वो लोग क्या हुआ, अलग से जाके हंस रहा है। सो ये देखिए, मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं किसी को बोलना नहीं चाहता, कुछ ब्लेम नहीं देना चाहता, क्योंकि हर लोगों का आज का डेट में नौकरी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, ना मैं मेल करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर वो लोग मेरा वीडियो देख रहा होगा कभी, तो लोगों को एक ही बात बोलूँगा, कोई भी गेस्ट कैसा भी हो सकता है। आज मैं एक साल के बाद आया करके मैं ऐसा हूँ, लेकिन कोई गेस्ट ऐसा भी हो सकता है, उन लोगों को पता ही नहीं है। तो उनके साथ एटलीस्ट अच्छे से बिहेव करो और उन लोगों को बताओ कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, अलग से मुस्कुराना नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का रूल्स ही नहीं है। कोई भी गेस्ट कैसा भी हो सकता है, उसको वो जानता भी होगा, नहीं भी जानता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके सामने कभी भी अलग से हंसना नहीं, तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। एक्चुअली सही बोला ना, कोई भी गेस्ट ना भी जान सकता है, गेस्ट का बारे में नहीं, कोई भी इंसान को सब कुछ पता होना है, ऐसा तो कोई लिखा नहीं है। ये बात ही सही है कि कोई भी गेस्ट को सब कुछ जानना होगा, सब कुछ नहीं जानना होगा, ऐसा नहीं है। तो फिर आप लोग किस काम के लिए हो, ऐसा हंसना नहीं, कभी भी हंसना नहीं चाहिए गेस्ट के सामने। मैं भी एज अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के सामने, ऐसा भी होता है कि अंडमान में बहुत गेस्ट घूमने के लिए आता है लेकिन बहुत कुछ नहीं जानता है, मतलब अंदर ही अंदर होता है, लेकिन मैं कभी हंसता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो गेस्ट को इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा काम है। सो इसीलिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री देख के अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है, सूटेड बूटेड होके घूमना खाना ये सब कुछ लगता है, लेकिन नहीं, अंदर में बहुत रफ एंड टफ होना चाहिए, बहुत ही।